एक ये आखिरी नंबर इसमें 258। अब आप देखना, आपको वीडियो में पता लगेगा कि ये चीजें वहां नहीं है, ये मेरी नहीं किसी की भी, बिना सोचे समझे काम करते हैं। अपना घर अपनी तो कौन सा एलिमेंट है ये? अर्थ एलिमेंट में क्या होता है? प्रॉपर्टी से लिंक करता है, ठीक है ना। ऐसे लोग अपना घर बनाने में इनको दिक्कत आती है, पैसे भी होते हैं, टाइम भी होता है, वास्तु के हिसाब से भी मान लीजिए प्लॉट अच्छा भी है, डायरेक्शन भी अच्छी है, उसके बावजूद भी पता लगा अभी प्लॉट शुरू करना था, घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई, ठीक है जी। तो इस तरीके से ऐसे लोगों के लिए ग्राउंड फ्लोर फ्लोर जो है सुटेबल नहीं होता। कल पढ़ाया था ना ये? हाँ जी, अलग अलग है, 40 तो नहीं है, 48 है, 48 या 52। ले लेते हैं तो हाँ, ऐसा आता है, लाल किताब में भी आता है ये, कि यदि ऐसा व्यक्ति अपना घर बना लेता है तो ऐसे व्यक्ति की वाइफ बीमार रहती है, खुद को उसको नर्स की तरफ की सेवा करनी पड़ती है। वो तुम्हारे भी से भी आगे हुई तो उसमें भी नंबर ना हो तो आगे चल रहे हैं। मैंने सुना ही नहीं बिना माइक के, माइक के बिना सुना नहीं, माइक के बिना सुना नहीं। लाउडली, इतना लाउडली बोलो कि माइक आपके पास आ जाए। सर, जिसकी बर्थ डेट में अर्थ, पता क्या है, सबको नहीं सुनता अच्छे से जी, फिर मैं जवाब आप तक रह जाता है, 1-to-1 क्लास नहीं है, वर्कशॉप है। अर्थ एलिमेंट मिसिंग है और वो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है और उसकी वाइफ भी बीमार है, वो खुद भी बीमार है, सारे एक एक पॉइंट बिल्कुल सही है, तो इस सूरत में वो घर उससे छूटे, उसका क्या? कोई नहीं, सुनील सानी जी का प्रॉपर्टी का काम है, उनको लिखवा दो। सर मैं तो उसके लिए जो है बाद में मकान, उसके लिए वास्तु भी कराना पड़ता है। मैं वैसे बता देता हूँ, किसी का घर यदि साउथ वेस्ट फेसिंग है या उस जोन में भी आ रहा है तो ऐसा घर शादी कर लेता है कि ना तू मुझे छोड़ ना मैं तुझे छोड़ू, मैरिज मैरिज घर, मतलब समझ रहे ना, मतलब जैसे मियाँ बीवी अपने को छोड़ते नहीं ना, नहीं भी पटती तो भी लगे रहते हैं ना, वो ऐसे ही, वो सुख नहीं भी है उसका तो भी नहीं जी घर नहीं बेच सकते जी, ये तो ऐसा है जी, ये तो सर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है ना। तो इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम है, ठीक है ना, इसलिए हमारी गिनती जो है ना थोड़ा सा महंगे कंसल्टेंट में इसलिए आती है क्योंकि जो चीज़ नहीं ठीक हो पाती नॉर्मल तब हम जाते हैं, यही एक वजह भी रहती है हमारे कमाने की, ठीक है ना। मैं तो बोल भी देता हूँ मुँह पे कि भाई हम तो ब्लैकमेलर हैं, अंदर से हम ऐसा है नहीं, बट वो मेंटली प्रिपेयर हो कि हमारी फीस देनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ कुछ नहीं, अंदर तो मैं अकाउंट नंबर देता हूँ, अंदर से पैसे आ जाते, डायरेक्ट नहीं लेता, अंदर वाला खाता दे देता हूँ। तो ये मैंने बताया, इनको खाली जमीन, कोरी जमीन नहीं लेनी चाहिए, वर्जिन लैंड नहीं लेनी चाहिए। सर ये मेरा ये है, मेरे में ये नहीं है और मैं थर्ड फ्लोर पे ही सो रहा हूँ, 3-4 मरले की बिल्डिंग है मेरी, जॉइंट फैमिली है, पर थर्ड फ्लोर पे रह रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पूरे खाली है, फिर भी मैं थर्ड फ्लोर पे सो रहा हूँ। अच्छी बात है, गुड है, अपने आप से अपने रेमेडी करी हुई है इसकी। अच्छा, इसमें मैं मेरा खुद का मकान नहीं ले सकता हूँ? इसमें खुद का नहीं ले सकते। अच्छा, बिल्ट ले सकते, बना बनाया ले सकते। ओके, बनाएंगे नहीं, फाउंडेशन नहीं डालेंगे। मुझे पता है मैं खुद नहीं बनाऊंगा, पर मेरा वाइफ से नाम से या भाड़े से कुछ भी, मतलब खुद की मिलकत में नहीं लूंगा, वो मुझे पता है इसमें। मैंने समझा, अगर कोई भी मैं मिलकत लूंगा या जमीन लूंगा तो मेरी खुद के नाम पे नहीं करूंगा। हाँ वो मेरे नाम पे कर सकते हो, मेरे पास है। ऐसे व्यक्ति को बार बार असफलताएं देखनी पड़ती हैं, फेलियर होता है, ये वाला काम किया उसमें फेल, उसका काम किया उसमें फेल। ऐसे व्यक्ति को अमूल मक्खन पे बेचने पे लगा था ना, उसको तो बेचना नहीं पड़ता ना, ब्रांड है ना वो, तो
छोटी आइटम में कोई भी खरीदता है, पता लगता है जी उसका वहाँ भी मक्खन पिघल गया जी, लाइट चली गई थी, फ्रिज खराब हो गए थे, वहाँ भी फेल हो जाता है।